मेरे साथ स्टूडियो में आ गया कपिल शर्मा. हेलो कपिल, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? वेरी वेल. बड़ी सारी प्रमोशनें चल रही हैं आजकल. हाँ, मतलब हम लोग बेस्ट बेस्ट जगह पे जा रहे हैं. बेस्ट बेस्ट जगह पे जा रहे हैं ना, इसलिए बेस्ट बेस्ट रेडियो सिटी पे. सर, कितने इंटरव्यू हो गए आज? आज तो हमारा सेकंड ही एक्चुअली. हाँ, तो नॉट सो बैड. मतलब इतनी आपसे सुबह से नहीं रगड़ाई करवा रहे हैं? नहीं, सुबह से उठे दोपहर को तो सुबह से. लवली. बड़ा बढ़िया रिस्पांस आ रहा है कपिल ट्रेलर को लेकर. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सभी, मतलब गुड विशेस दिए जा रहे हैं आपको ट्विटर पे. बच्चन साहब ने ऐसा, आपको कोई आइडिया था कि वो ऐसा ट्वीट करने वाले ट्रेलर को कि एकदम से आप उठे सुबह में अमिताभ बच्चन? मैंने उनको SMS किया था कि मैंने ट्रेलर भेजा उनको अपना. सो मैंने कहा सर, मेरी फर्स्ट मूवी एज ए प्रोड्यूसर और आई नीड योर ब्लेसिंग्स. मतलब हर कोई इंडस्ट्री में ना, तो सो स्वीट ऑफ हिम. उन्होंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया, फिर मुझे मैसेज किया. अच्छा लगता है, मतलब बच्चन साहब की तरफ से कुछ आता है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है. बिकॉज़ इट्स द ट्रेलर इज काइंड ऑफ गॉन वायरल. मतलब जनता सब चारों तरफ फिरंगी के बारे में. अच्छा, मुझे ना इंटरव्यू देने की आदत नहीं, मैंने हमेशा इंटरव्यू लिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा अभी पूरी बात सुनेंगे इनकी, फिर कुछ बोलूंगा. ओके, तो क्या बोल रहे थे आप? सबसे बढ़िया रिस्पांस क्या है ट्रेलर को लेकर अभी तक? ट्रेलर को लेके लोग एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड था मुझसे, क्योंकि सभी जैसे पहली मूवी है थोड़ा. हाँ. जी हाँ, मतलब इसमें काफी सारे फीलिंग्स है इसमें. हाँ. इसमें हर इमोशन आपको देखने को मिलेगा. हाँ. और अनएक्सपेक्टेड था, जो हम लोगों की विन भी है. हम लोगों को यही चाहिए था एक्चुअली, कि वैसा ना लोगों को लगे कि जैसी फर्स्ट मूवी आई थी. टीवी पे भी हम लोग कॉमेडी करते हैं, तो सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी ना हो, इसमें भी है लाइफ मोमेंट्स. मतलब आपको हंसी मजाक जो है वो दिखेगा. मैं हूं तो हो ही जाता थोड़ा बहुत ऊपर से, पर हाँ, इसमें सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा टचवुड रिस्पॉन्स आ रहा है. तो बाकी सिनेमा देखते हैं. तो कभी ये स्टोरी क्यों चुनी आपने अपनी पहली प्रोड्यूस करने के लिए पिक्चर? क्योंकि मेरे पास दूसरी नहीं थी कोई और. ये स्टोरी बनाई हमने, स्टोरी चुनी नहीं गई एक्चुअली. अच्छा. इसको पूरा 1.5 साल लगा इस स्टोरी को बनाने में. और मेरे दोस्त हैं राजीव, जो डायरेक्ट कर रहे हैं इस मूवी को. तो हम सब रोज बैठते थे और मेरे सामने एक कहानी बनी है. मतलब जो चीज मुझे सूट करती है वही चीज रखी जाए इसमें, कि वैसा कुछ ना किया जाए कि अच्छा मैं ऊपर से कूद रहा हूँ और चार बंदूकों वाले कूद रहे हैं हेलीकॉप्टर में. वैसा कुछ तो हम कर ही नहीं सकते, ना मुझे सूट करेगा. तो ये मजेदार सी कहानी थी एक्चुअली, कि यू नो बिफोर पार्टीशन की कहानी है और हमेशा डार्क साइड आपको देखने को मिलती है इसमें थोड़ा, कि उस समय के लोग, उस समय का रोमांस, सिर्फ देखना देखना, हाथ तक नहीं पकड़ना, कुछ पैसे लगा के भी. तो फिर मतलब वैसी टाइप कहानी है, मजा आएगा. आपने कभी ग्रोइंग अप ऐसी कहानियां अपनी फैमिली में सुनी है पार्टीशन के टाइम की, कि फैमिली इधर थी उधर हुई? हाँ, हमारी फैमिली एक्चुअली, मेरे दादा जो थे वो पार्टीशन के टाइम वहीं से आए थे. तो मेरे जो बड़े ताऊजी हैं, मेरे दादाजी तो अब नहीं है, तो वो हमेशा हमारी बड़ी कहानियां सुनाते थे हमें. हाँ, कुछ कहानी आपको जो याद हो? मुझे एक कहानी सुनाते थे कि मेरे ताऊजी जो है, उनकी जो वाइफ है, उनके ब्रदर, मतलब उनके ब्रदर लो मेरे ताऊ के, तो बोलते कि उनको ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो घोड़ा गिर गया बाइक से, ऐसे कैनाल जो रिवर साइड में. तो उन्होंने गोरे को बेचारे को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? बोलता नहीं, मेरे पास तो नौकरी है, तो मेरा एक भाई है उसको नौकरी पे, तो उसने नौकरी पर रखवा दिया था. तो मैंने भी अच्छी, हाँ ऐसे चलते फिरते ही. तो बाकी तो सब डार्क स्टोरीज है, मतलब जो हम लोग सुनते हैं, तो वो तो एक्चुअली कोई भी याद नहीं करना चाहता. पर ये उसी समय कहानी है जिसमें हम लोग ये भी दिखा रहे हैं कि एक आदमी है जिसको लगता नहीं है कि अंग्रेज गोरे कहते हैं, ठीक तो है बेचारे, गोरे चिट्टे आए घूम रहे इधर अपना एंजॉय कर रहे. तो एक्चुअली अगर जनरली देखा जाए तो हमारे हमारी कंट्री में पहले जब मुगल आए या उनसे पहले जितने भी हमले हुए जी. तो एक आम आदमी को तो यही लगता था कि शायद हमारी सरकार, मतलब यही है, जो आएंगे वही करेंगे, हम कर ही नहीं सकते मे बी जी. तो वैसे ही सोच का एक करेक्टर है जो बड़ा अंडरडॉग सा करेक्टर है. तो बस ठीक है, बना दी फिल्म. जब कोई पीरियड ड्रामा बन रहा होता है कपिल, स्पेशली यू नो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, तो बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं. बिकॉज हमने वो जमाना देखा नहीं, हमको पता नहीं, हमको सिर्फ रिसर्च पे निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उसके वीडियो बड़े कम है गिने चुने उस जमाने के देखने के लिए. तो आपके इस कैरेक्टर को बनाने के लिए क्या रिसर्च करी आपने? किस तरह से बोलेगा, कैसा दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? मुझे, हाँ, कैरेक्टर के मामले अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि यार वो लोग आज से, मतलब हमारे दादा परदादे तो थे ना, तो वो डिफरेंट तो हमसे रहेंगे होंगे. हमारी शक्लें उनसे मिलती हैं, हमारे हाव भाव उनसे मिलते हैं. तो उसके ऊपर कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी. बिकॉज एकदम आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो फिर आपको पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या होगा. ये करेक्टर मेरे तो सामने बनी है ये फिल्म, मुझे ध्यान में रखते हुए. तो हाँ, हमारे लिए चैलेंज ये था कि उस समय की एक एक जो छोटी छोटी चीजों पे, हमें उस समय के कपड़े जो थे वो किस तरीके के कपड़े थे, वैसा एक, तो उस पे हमारी रिसर्च थी. हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया. फिर हम लोगों ने एक गांव क्रिएट किया जिसके आसपास कोई बिजली का खंबा ना हो. हम लोगों ने एक ऐसा पंजाब कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में किसी ने पहाड़ देखे नहीं,
है नहीं, मतलब 1966 में जब हिमाचल बना, जब तो पंजाब का कुछ हिस्सा उसमें गया, तब उसके बाद किसी ने वैसा देखा नहीं है। तो हम लोगों ने रिवर एक थी, पहाड़ थे बैकग्राउंड में, और फिर हम लोगों ने उसके आसपास जो है परमिशन लेके वहां पे ग्राउंड पे पूरा गांव बनाया। तो वो गांव इतना मजेदार था, मेरा तोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने तो वहां की गवर्नमेंट से बात करी थी कि इसको ले लो, इसको कुछ कर लो इसका। पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, बिकॉज काफी सारी चीजें होती हैं, तो मेरा तोड़ने को दिल नहीं कर रहा था उसको। तो बड़ा मजा आया शूट करके, वो स्पिरिट में ही रहे एक्चुअली हम लोग। हाउ नाइस यार। मेरी जो हिरन आती थी शीता, तो हमेशा पहले दिन उसको मैंने देखा तो उसने अपना वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो पीरियड का उस टाइम का। तो 10-15 दिन शूट करते रहे, तो एक दिन उसका शूट थोड़ा लेट था, तो पहले आगे जीन्स वीन्स पहन के और शॉल स्टॉल और ये, तो मैं सोचू इसके पास ये वाले कपड़े कहां से आए। तो मैंने तो उसको हमेशा उसी में देखा। मतलब इस तरह घुस जाते हो आप जब कोई ऐसा कुछ काम करते हो। करेक्ट, मजा आया करके। चैलेंजिंग सबसे ज्यादा क्या रहा है इसको करने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि कैरेक्टर तो चलो ठीक है, हमारे परदादा भी नहीं, हमारे दादा और उनके पिताजी के जमाने के, तो इतनी पुरानी बात है भी नहीं, पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है कपिल एक पीरियड फिल्म बनाने के? चैलेंजिंग ये होता है कि कोई भी फिल्म बनाओ, सारा दिन आप थक हार के काम करते हो, उसके बाद पैकअप के बाद जब आपको चेक साइन करने पड़ते हैं ना, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। K9 जी के नाम से चेक फिर बड़ा वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, बाकी मजा आता है। बहुत सारा इंटरनेशनल कास्ट है मूवी में जी, बड़े सारे गोरे हैं इस पिक्चर में, तो वो सारे गोरे मतलब इंडियन हैं कि बाहर से मंगाए हैं? बड़ा मजा है उनके साथ काम करने में, प्रोफेशनल लोग हैं। एक तो एडवर्ड जो है, एडवर्ड है वो एक्टर भी है, वो टीवी भी करता है, स्टैंड अप कॉमिक भी है। तो पहले दिन तो मैं जाके उसके साथ मैं बात ना करूं, मुझे लगा उसको लगेगा मैं रूड हूं। फिर मैं पूछा हाय हाउ आर यू, एडवर्ड आई हैव सीन योर ऑडिशंस एंड योर तीन चार आ रहे, पहले बताया ना उसने मुझे, तीन चार घंटे मेरा मुंह टेढ़ा हो गया उसके साथ इंग्लिश बोलते बोलते। जैसे मुझे बोलता आप हिंदी में बात करो, तो मैं कहा मुझे पहले क्यों बताया तुमने, मैं इतनी देर से सेंटेंस बनाने में लगा हूं। तो मजा आया लेकिन काम करके, वो लोग बड़े प्रोफेशनल, बड़ा सीखने को मिलता है, क्योंकि कुछ चीजें वो ऐसी करते हैं जो मेरे ख्याल से वही कैरी करते हैं उनकी। तो मुझे तो बड़ा मजा आया तो, और उस चक्कर में हम लोगों ने इतना इंप्रोवाइज किया ना, तो हम लोग तो मुझे लगता है दो फिल्में बना के आते हैं वहां से। तो बड़ा कंट्रोल करते थे हम लोग कि ज्यादा इंप्रोवाइज नहीं करना, तब मजा आया उनके साथ। बिहाइंड द सीन की फुटेज एक निकालिए ना प्लीज, देखने निकालेंगे निकाल जब निकाल मजा आएगा देखने। हाँ, बहुत कुछ था उसमें। सॉन्ग एंड डांस के बारे में बात करते हैं कपिल, इसमें आपने ऐसा लिप सिंक कर दिया। अरे एक बकरी थी हमारा, जैसे वो होता था हम लोग साइलेंस बोलते थे ना, जैसे कि ओके साइलेंस साइलेंस, तो सब तरफ साइलेंस होते, वो अकेली बकरी बोलना शुरू कर देती थी। वो फुटेज जरूर डालेगी यार, एक्चुअली मुझे पता तुम्हें याद है, बकरियों का भी आर्गुमेंट करती थी आगे से साइलेंस के, साइलेंस मैं और तेज। आपने इसमें गाना वाना का लिप सिंक करके डांस भी कराया आपसे? नहीं, मैंने बिल्कुल लिप सिंक नहीं किया, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती एक्चुअली। मैं मुझे ना कई चीजें हैं, मतलब हर एक का अपना ओपिनियन होता है, मुझे कभी नहीं अच्छा लगता कि कोई आदमी फंसा हुआ है, माँ मेरी माँ, मान लो किसी ऐसा चलता है तो कोई आदमी ऐसा बोलता नहीं है, अगर कोई दुखी भी है तो वो मेरा ऐसा मानना है। तो लिपसिंग विपसिंग कोई नहीं है इसमें, पर हाँ इसमें डांस वांस भी नहीं किया मैंने। जिस तरीके का उस समय, जैसे आप बोल रही थी कि पीरियड में क्या क्या होता है, तो जो जो चीजें होती थी, जितना एक लड़का एक लड़की के साथ देखा देखी कर सकता है, उतना ही किया हमने, ज्यादा लिबर्टी ऑफ सिनेमा नहीं ली हमने। पर हाँ मजा आया, म्यूजिक बहुत अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला म्यूजिक का। लवली कपिल, अभी आप जैसे कह रहे थे कि आप तो यूजुअली इंटरव्यू लेते हैं, और अभी इंटरव्यू देने में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सामने वाले की बात पूरी सुन ले और फिर जवाब दे सामने वाले। मुझे एक्चुअली बीच में बोलने की बड़ी आते हैं, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, रेडियो बोल ली गए आप। छोटे छोटे बच्चे हमने खड़े किए हैं यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव करने के लिए। बट कपिल सीरियसली बताइए यार, आप यू नो यू आर द बाप ऑफ डूइंग सेलिब्रिटी इंटरव्यूज। पिछले कुछ सालों में इतने इंटरव्यूज आपके देख देख कर वी हैव फाउंड आउट मोर अबाउट सेलिब्रिटीज, जो हमें उनके बारे में पता नहीं होती थी बातें। अजय देवगन हो गए, अनिल कपूर हो गए, शाहरुख, सलमान, वो आपके इंटरव्यूज देख देख कर जनता को पता चला है कि सलमान खान भी ऐसे ताली मार मार के लोट लोट के हंसता है फर्श पे, बिकॉज इज वेरी सीरियस मैन। तो हाउ डू यू मेक इट लुक सो इजी, इतना नेचुरली आपको ये काम आता कैसे? मुझे नहीं लगता कि काम ऐसा है कुछ, मतलब कि काम मुझे जो पर्सनली लगता था कि जैसे मैं बीइंग ए फैन, अगर मुझे कभी बच्चन साहब मिले और मैं कंफर्टेबल रहूं, तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, अरे बच्चन साहब आप गाना भी गाते हैं, मतलब जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जब बच्चन साहब हमारे शो में पहली बार आए तो उनकी टीम ने कहा कि आपने बच्चन साहब को गाना गाने के लिए नहीं बोलना है, तो ये नहीं करना वो नहीं करना। एक तो अमिताभ बच्चन, आप वैसे ही डर जाते हैं उनके सामने आके, इतना हो रहा है उनका। तो मैं बैठा हुआ तो मुझे लगा कि यार बच्चन साहब गाते हैं, मतलब उनको भगवान ने सुर दिया, उनका दिल तो करते होगा, तो एक बार पूछ के देखने में क्या, अपने शो में तो पूछ लेते थोड़ा सा। तो पर फिर मेरी हिम्मत नहीं बनी, किसी से पूछवा दिया ऑडियंस में से, आप प्लीज गाना गाएंगे, और फिर बच्चन साहब ने आधा घंटा गाना गाया और उन्होंने इतना एंजॉय किया। तो मुझे लगता है कि हर इंसान अंदर
बच्चा ही है अंदर से तो उनको उनका दिल करता है, तो जो चीजें मेरे मन में आती है वैसे मैं पूछ लेता हूँ। फिर आपको कोई प्रोसेस रहता है इंटरव्यू करने से पहले, मतलब बैठ के आप रिसर्च की टीम के साथ बैठे? रिसर्च टीम, अभी जैसे कभी कभी किसी की फिल्म के बारे में हम लोग सवाल करते हैं तो उनकी फिल्म के बारे में रिसर्च कर लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो जो स्टार्स आते हैं उनके बारे में आप जानते ही हो। हाँ। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जान लो। हाँ। जैसे मैंने अजीब अजीब से सवाल पूछे लाइफ में, जैसे मैंने शाहरुख भाई को पूछा था, शाहरुख भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब जब स्टेज पे भी जाना ऊपर से आपको बाथरूम लग गया, बाथरूम दूर है, तो ऐसी अजीब अजीब चीज है जो भी आता है दिमाग में पूछ लेते हैं, पर वो भी सो स्वीट ऑफ देम कि वो भी फिर खुल जाते हैं आपकी तरह, बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये पागलों जैसी बातें कर रहा है, अब इसको हम लोग क्या इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, तो इसके साथ वैसे ही बन जाओ, तो मजा आता फिर। यू नो इट आल्सो हेल्प्स कि आप यू आर वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी आल्सो, जब आपके सामने कोई बैठ के बात करते हैं ना तो मन करता है कि सामने से खुल के बात करें, बिकॉज आपके अंदर वो प्रिटेंशन नहीं है कि मैं कपिल शर्मा हूँ और मेरे से तुम ऐसे बात करो वैसे बात करो। कपिल शर्मा तुम्हें हूँ मेरा नाम। See what I mean? सामने वाला खुल जाता है आसानी से आपके साथ बात करने के लिए। Also, you know, you are also like the बाप और एंड द इंडस्ट्री फेवरेट शोज होस्ट करने के लिए, चाहे कोई भी अवार्ड शो, ऐसा कोई एक शो नहीं रहा जहाँ पे आपको या तो पूरा शो होस्ट करने के लिए या कोई सेगमेंट होस्ट करने के लिए नहीं बना, तो वो आपका प्रोसेस कैसा रहता है जब आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा काम दिया करने के लिए? वो बड़ा मजा आता है करके, क्योंकि उसमें पूरी इंडस्ट्री आपके सामने होती है। आप एक एक रेगुलर चीज से निकल के बाहर आते हो तो आप अलग अलग चीजें करने को मिलती हैं, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, स्पेशली जब करण सर के साथ होता हूँ, शाहरुख भाई के साथ होता हूँ, तो उनके साथ क्या होता है कि फिर स्क्रिप्ट पता नहीं होती हम दोनों को कि कहाँ जा रही है, तो कुछ भी शुरू हो जाता है, मजा आता है उस प्रोसेस में भी, अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वहां पे आपको कभी किसी का डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, कभी किसी का किसी के साथ वैसे ही आप इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हो, तो मजेदार चीजें होती हैं, मतलब कुछ चीजें डिसाइडेड ही नहीं होती एक्चुअली, तो वैसे ही हो जाती है, तो मजा आता है करके। एक ऑडियंस इंटरेक्शन मुझे पसंद आया करती थी पुराने जमाने में साजिद खान की, और उसके बाद एक आपकी, जब आप घुस जाते हैं सेलिब्रिटीज के बीच में माइक लेकर कुछ भी बोल देते हैं उनको जाकर, डर नहीं लगता होगा सर कभी? नहीं मैं ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कि डर लगे, मतलब मजेदार उनको भी वही बातें होती है। आपने अमिताभ बच्चन को एक बार पूछा था कि नहाते नहाते साबुन खत्म नहीं हो जाती, इतने बड़े हैं आप, यू रिमेम्बर दिस? मुझे ऐसा लगता है, मतलब पता नहीं मेरी सोच है कि आप बाथरूम में जाते हो साबुन पड़ा होता है घर में, चाहे बहुत बड़े आदमी नहीं है, पर कभी कभी होता है ना कि पतला साबुन पड़ा होता है नहाते नहाते टूट जाता है आदमी का साबुन, नीचे गिर गया, अब बाथरूम में तो कोई देख नहीं रहा, तो उठा ही लेते आप, मैं पूछ के देख लेते क्या पता, तो आगे से उन्होंने भी बड़ा स्वीटली कहते हैं हाँ मैं बहुत बार गिरा है, तो मैं कहा आपका एरिया भी ज्यादा ना तो साबुन जल्दी गिर जाता होगा। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए अमिताभ बच्चन से ऐसे सवाल करने के लिए, कहां से लेकर आते हो? नहीं मैं बच्चन साहब से बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, तो वो एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस वही देते हैं सामने वाले को, आप नहीं लेकर आते हो, वो आपके साथ वैसे बच्चे बन जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप, मतलब ये तो पता होता है कि सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं, पर वो आपके जैसे हो जाते हैं, आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे ही हो जाता है कि चलो वो अच्छे मूड में है तो कर दो। जितना भी हमने आपको कपिल देखा है मीडिया में, टीवी पर, आपके शो पर, यहाँ रेडियो स्टेशन पे वगैरह, ये एक फीलिंग आती है आपको देखकर और आपको मिलकर कि आप ना दिल से सोचते हो और दिल से डिसीजन लेते हो और दिमाग से फिर बाद में पूछते हो, अपना दिल से सोचने के बाद। आपको ये किसने बताया कि बाद में दिमाग से पूछता हूँ? चलो ठीक है, आई वॉज अज्यूमिंग, बट अभी आप प्रोड्यूसर बन गए हो, इतनी बड़ी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, बड़ा सारा पैसा लगा है पिक्चर को प्रोड्यूस करने में, तो ये चीज कहीं पे आपको दिक्कत हुई है कि आप दिल से सोचते हो? वेरी इमोशनल? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो दिल से काम करते हो वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उसमें आप कुछ कुछ मैनिपुलेट करके नहीं सोचते हो कि ये नहीं करते हो कि यार मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा, तो मुझे लगता है कुछ चीज बना रहे हो उसको बनाना है हमने, अब बनाना है, हमारे पास सोर्सेज है, करो दिल से काम, फिर जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली अच्छा आएगा, क्योंकि जब आप एंजॉय करते हो काम को लोग भी करते हैं। बट ऐसे लोगों के आसपास आप देखोगे ना, इस फिल्म में मेरी मम्मी है, इसमें मेरी बहन है, इसमें मेरी भाभी है, इसमें मेरा भांजा है, सब है, सारी फैमिली को टैपिंग करवाया हुआ गाने में, अगर आप गाने को गौर से देखोगे, सजना गाना जो दूसरा है जी, उसमें सब में मेरी मम्मी का डेब्यू है, वाह, फिर मेरी बहन है। आपने ये भी कहा कि आपकी मम्मी भी बड़ी फनी है ऑफ कैमरा? मम्मी बहुत फनी है, वो कैम माइक देख के डर जाती है बस, उसको माइक कर दो ना मम्मी के आगे तो मम्मी माइक की तरफ ऐसे देखने लगी, तो फिर वो बोल नहीं पाती है, अदरवाइज शी इज वेरी फनी, बताओ मत उनको। पिछले कुछ सालों में कपिल यू ओनली गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, अभी बहुत मीटियोरिक राइज रहा आपका कि घर घर में कपिल शर्मा का नाम पहुंचा और आप उसको आगे लेके जा रहे हो, पहली मूवी वो स्लीपर हिट, जितना बड़ी वो हिट हो गई थी फिल्म, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीबॉडी, और अभी आप अपनी पिक्चर को खुद को प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसे में क्या होता है इतना मीटियोरिक राइज किसी का रहता है ना, तो आसपास कुछ यस मैन जिन्हें कहा जाता है कि हाँ भाई कपिल भाई, ये भाई कपिल भाई, तू कर लेगा भाई, कपिल भाई तू मेरा भाई, तू मेरा दोस्त है, अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखते हो, इंसुलेटेड कैसे रखते हो कि यू नो सच्चाई जो है उस पे से नजर ना हटे और ये सारे शूशा पे अब ध्यान ना दे सके? पता नहीं, जो भी हो दिल से होते हैं सब साथ में, जो भी है अभी है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा सोच के कि ये आदमी क्या मेरे को यस मैन है कि नहीं है,
आप अपने काम अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर आप काम अपने दिल से कर रहे हो और आपको इतना विश्वास है कि मेरा काम अच्छा हो रहा है तो मेरे ख्याल से सारी चीजें सब अच्छी होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छे लोग हैं आपके आसपास सारे के जी, अच्छे लोग सब दोस्ती हैं एक्चुअली। आई लव इट, लवली। अच्छा अभी आपने गाने का नाम लिया, जो नया गाना आया है सजना सोने जिया जी, उसमें आप छुप छुप के ऐसे दूर से देख रहे हो, उस समय इतना देख लो काफी होता था, नहीं तो सर फट जाते थे। बट ऐसा आपको कॉलेज के जमाने में या ऐसे यू रिमेम्बर सम लाइक लुकिंग एट सम गर्ल ऐसा दूर से छुप छुप के देखा कभी, बस स्टैंड पे खड़े छुप के? बहुत ज्यादा। कभी पिटाई हुई है? ना सिर्फ वो देखते थे ना सिर्फ हमारे, अभी मैं देखता हूँ ना, अब तो खैर बहुत जमाना बदल गया, मतलब अब 2017 में है हम लोग, तो 98 में जब हम लोग 99 में कॉलेज पढ़ते थे तब कहाँ होता था, तब तो वैसे ही आप किसी शॉप में बैठे हुए या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए तो कहीं लड़की के साथ बैठे तो आदमी डरा ही रहता था, वैसे ही पता नहीं कब पुलिस आ जाए, हालांकि अपने मन में डर बैठा हुआ, ये कोई क्राइम नहीं, तो वैसे ही मन में रहता था कि हाय कोई आना जाए इधर देखना ले तो, पर ठीक है हर उस पीरियड का मजा लेना चाहिए, तो ये एक्चुअली इसमें इसी का मजा है, फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, बच्चों के साथ जा सकते हैं। मूवी रिलीज के लिए तैयार है कपिल, इट्स लुकिंग गुड, द ट्रेलर इज लुकिंग गुड, गाने आ रहे हैं धीरे धीरे, क्या वो भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे बिहाइंड द सीन्स देखना है, प्रीटी मुझे वो बकरी कहीं ना कहीं स्पॉट हो जाएगी बिहाइंड द सीन्स की फुटेज में। कपिल अब हमारी रेडियो सिटी के सुनने वालों को क्या कहना चाहते हैं मूवी रिलीज के लिए? मैं यही कहूंगा कि रेडियो सिटी सुनते रहे और क्या करें, और हमारी मूवी देखने जाए, 24 नवंबर को रिलीज हो रही है और साफ सुथरी मूवी है, मजा आएगा आपको देख के, और मेरे और अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे जिनको आप अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को बड़ा अप्रिशिएट किया शीशे में देख के, मुझे लगा यस मैंने किया ये। आपकी बेटा मेमोरी नहीं खत्म होती फोन की? वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इसलिए फोन में सेव करने के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा कपिल, कीपिंग इन माइंड द टाइटल ऑफ द मूवी फिरंगी, यहाँ पे ना कुछ